नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए झूला बनाएंगे। कार्डबोर्ड को 5 से 6 पीसेस में इस तरह से कट करके स्टिक कर दिया है, बड़ा साइज़ लिया है। 3 कार्डबोर्ड अलग से लिए हैं, इनको भी आपस में स्टिक कर दिया है। इसको कपड़े से कवर कर देंगे, नीटली कवर करेंगे, ये नीचे का बेस बनेगा। कवर कर दिया है, छोटे कार्डबोर्ड्स को भी येलो पेपर से कवर कर देंगे। 3 पीस लिए हैं, 2 बड़े साइज हैं, 1 छोटा साइज है। ग्लू से अच्छी तरह से पेपर से कवर करेंगे। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब यहाँ दूसरा कार्डबोर्ड लिया है, इसमें इस तरह का हाफ शेप ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल। इसको कट कर दूंगी। पीछे की साइड एक और कार्डबोर्ड लगाया है, वहाँ से हल्का सा कट करना है, कट भर लगाना है, पूरा काटना नहीं है उसको। इसमें फोम स्टिक करेंगे सामने की तरफ। इसको कपड़े से पूरी तरह कवर कर देंगे। कवर कर दिया है, इसको मोड़ देंगे। यहाँ पे दूसरे पीसेस लिए हैं, एक कार्डबोर्ड में इस तरह से निशान लगा के अच्छी तरह से यहाँ से कट लगा देंगे। अच्छी तरह से कट करना है, यहाँ पे कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से फंसाना है, इसलिए कट कर देंगे। यहाँ पे आसन में बैक साइड में कट लगाएंगे और ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। इसमें कुशन को स्टिक करेंगे, कुशन में लेस लगा के इसको डेकोरेट करेंगे। 2 कुशन है, दोनों में लेस लगाएंगे। अब इस तरह से ये कार्डबोर्ड को इसमें अच्छी तरह से फंसाना है और स्टिक कर देंगे ग्लू लगा के। अब ऊपर की तरफ ये दूसरे कार्डबोर्ड को स्टिक कर देंगे, पूरा बेस रेडी हो जाएगा। इस तरह से बेस रेडी हो गया है। यहाँ पे कुशन स्टिक करेंगे। स्टिक कर दिया है, पीछे की तरफ भी अच्छे से ग्लू लगाएंगे। इसमें ऊपर की तरफ से नेडल डालेंगे। यहाँ पे डोरी ले रही हूँ, पर्ल की डोरी बनाएंगे। एक्स्ट्रा डोरी को ऊपर की तरफ ही रहने देंगे। अब ये नेडल को इस तरह से नीचे से भी इस तरह से डाल देंगे, ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा रखेंगे डोरी के लिए। पर्ल वाली डोरी बनाएंगे तो पर्ल्स डाल देंगे। बीस से बाईस पर्ल्स लगेंगे डोरी के लिए, दोनों तरफ 23 23 पर्ल्स को डाल देंगे। दूसरी तरफ की भी डोरी इसी तरह रेडी कर लेंगे। इसको आपस में बांध देंगे दोनों को। अब एक गोल्डन बीट को इसके अंदर डालेंगे, बड़ी बीट ली है। इस तरह से दोनों डोरी रेडी कर लेंगे।
बैक साइड में लेस स्टिक करेंगे। मिरर स्टिक कर देंगे। अब सेंटर में एक और डोरी बनाएंगे, उसमें भी पर्ल्स डालेंगे। ये बना ली डोरी, अब इसको अच्छी तरह से बांध देंगे, इसमें पॉम पॉम को स्टिक कर देंगे इस तरह से। साइड में लेस लगा देंगे नीचे की तरफ। इसको झूले को इस तरह इसने बेस में बांधना है, दोनों को बराबर बांधेंगे टाइटली। यहाँ पे मोटे थ्रेड का यूज़ किया है मैंने डोरी बनाने के लिए। अच्छी टाइट डोरी बांधेंगे, एक्स्ट्रा को कट नहीं करेंगे, वहीं स्टिक कर देंगे। अब बेस में लेस लगाएंगे। ये लेस लगा दी है, ऊपर की तरफ फ्लावर लगाएंगे। यहाँ पे बड़ा फ्लावर स्टिक कर रही हूँ, इसके साथ ही बेल को स्टिक करेंगे सेंटर में ही। अब लीव्स और फ्लावर से पूरे झूले को डेकोरेट करेंगे। पूरे फ्लावर और लीव्स और कलरफुल फ्लावर से इसको डेकोरेट कर लेंगे नीचे तक। ऊपर की तरफ भी फ्लावर स्टिक करेंगे। लोड में कुशन में इस तरह के स्टोन से इसको डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से झूला रेडी हो गया है। यहाँ पे वायर वाली लाइट्स ले रही हूँ, इसको नीचे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। राउंड राउंड करते हुए लगाते जाएंगे, नीचे तक लगाना है।
लाइट्स लगा दी है, अब लाइट्स को ऑन करेंगे। बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए झूला ज़रूर बनाएं। थैंक यू।